हे गाई, सो यार इम्पोर्टेंट अपडेट था रिगार्डिंग CUET एग्जामिनेशन, सॉरी जिसको हम अभी जो है क्या बोलते हैं, इसको हम अभी CUET एग्जाम बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसका जो अप्लीकेशन फॉर्म था वो 2 अप्रैल को आने वाला था, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज़ के कारण NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी ये साफ शो हो रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी जो डिटेल्स है वो अब 6 अप्रैल को आ रही है, यानी कि अभी जो है 3 तो हो चुकी है आज, अब जो है 6 अप्रैल को आ रही है, तो आप उसको वेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या सारा इश्यू रहेगा। सो यार 6 अप्रैल से लेकर जो भी 25, 26 जितनी भी तारीख जो NTA देता है अपने हिसाब से, उस तारीख तक हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जस्ट जैसे डेडलाइन होती है उसकी, तो जस्ट जो है मई के अंदर हमारे एडमिट कार्ड आएंगे, देन जो है एटलीस्ट जो भी मई जून में जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद हमें वो उसकी साइट पे जो है एक हमें स्कोर कार्ड मिल जाएगा। जैसे ही हमें स्कोर कार्ड मिलता है, फिर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, हमें हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, जिसका जो भी एडमिशन विंडो ओपन होता है वहाँ पे अपनी डिटेल डालनी है, उसको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है, जितनी भी 300, 150, बहुत सारी यूनिवर्सिटी पैसे लेती भी नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। सो वहाँ पे जो है हमको जो भी नोट उसका एडमिट का जो भी होता है उसका स्कोर कार्ड हमें देना होता है, और कट ऑफ के बेसिस पे जो है हमें सीट मिलती है। अब एक इम्पोर्टेंट कंसर्न था ये कि भैया कट ऑफ कितनी रहती है और कौन कौन से कोर्सेज सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में अवेलेबल हैं। सो यार अगर आपको BTech करना है, देन जो है BTech के लिए एक ही यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जो कि महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग अवेलेबल है। देन सेकेंड नंबर पे जो आता है हमारा वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, जिसके अंदर आई थिंक 2 इंजीनियरिंग अवेलेबल है, एंड एक यूनिवर्सिटी और है जो कि इंजीनियरिंग के कोर्सेज करवाती है, और जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सभी में इंजीनियरिंग कोर्सेज कंप्लीट होता है, लेकिन वो जो है सारे के सारे सीटें जो फिल करती है इंजीनियरिंग की, वो जोसा के थ्रू या फिर CSEB पोर्टल के थ्रू करती है, वो जो है CUET टेस्ट या फिर CUCET टेस्ट के थ्रू एडमिशन नहीं लेती है। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, दिस इज वेरी बेस्ट इंस्टीट्यूट इन ऑल ओवर द इंडिया एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ये भी जो है अपने BTech की सीटें अब CSEB और जोसा के थ्रू लेने लगी है। आप CUET के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सो आप जो है इंटीग्रेटेड कोर्सेज जितने भी होते हैं, जैसे कि MSc फिजिक्स, जैसे ठीक है BSc MSc BSMS कोर्सेस है, BVO कोर्सेस है, BMS है, BA BEd कोर्सेस है, ये जितने भी सारे के सारे कोर्सेस होते हैं इसमें आप जो है एडमिशन ले सकते हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। और जो है जितने भी कोर्सेज BTech वगैरह होते हैं वो सारे के सारे केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, सारे के सारे जो सीटें होती है ये फिलिंग होती है जोसा के थ्रू। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एक ऐसा कॉलेज है जिसमें आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ले सकते हैं CUET के जरिए, एक ही ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और जो अदर है जैसे DU जामिया BHU उनका अलग अलग पोर्टल कंडक्ट होता है, तो आप उनका भी देख सकते हैं, वो भी एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। और जितने भी DU BHU जामिया ये जो 12th के बेसिस पे जो एडमिशन देते हैं वो BSc BA BMS इन सब कोर्सेस में देते हैं, BTech वगैरह में 12th के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलता है, तो आप इसका बिल्कुल ध्यान रखें। 6 तारीख को एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, ठीक है। और हाँ, आपको अगर एडमिशन जस्ट लाइक चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में, और जस्ट इफ़ यू आर फुल्ली डेडिकेटेड देन आप हमारी टीम की सहायता ले सकते हैं, तो आप हमारी प्राइम मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, जिसके अंदर जो है ऑलमोस्ट सारे बच्चों का क्या ख्याल होता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो यार ऑलमोस्ट हम जो है जितने भी कॉलेजेज है ऑल ओवर द इंडिया, जिसकी हमने कुछ टॉप गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज छांट रखे हैं, जिसका प्लेसमेंट एटलीस्ट 20-25 लाख LPA होता है, उसके अंदर जो है हम एडमिशन दिला देते हैं CSE के अंदर, तो जस्ट वो दिस ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर माय ऑल प्राइम मेंबरशिप प्लान्स, प्राइम मतलब प्राइम मेंबर्स, सो यू कैन गेट इट माय प्राइम मेंबरशिप लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट द लिंक और जो है मेरी टीम का सपोर्ट ले सकते हैं, माई टीम ऑल फ्रॉम IITs NITs एंड टॉप IIT स्टूडेंट्स, ओके, और जो है प्रिपरेशन भी उसके साथ में इंक्लूड है, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। आई थिंक ये अच्छा ऑप्शन है, पिछले 2 साल से
जब से स्टार्ट हुआ है तब से आई थिंक जो है सक्सेस की राह पर चल रहा है ये, ठीक है। एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं आया जिसने हमें कुछ गलत कहा हो इसके रिगार्डिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद।